दोस्तों आज हम बनाएंगे बिहार की स्पेशल रेसिपी पोई का साग। इसे हम आलू के साथ बनाएंगे। सीजन की सभी साग भाजी या फल सब्जियां हमें जरूर खानी चाहिए क्योंकि वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पोई के साग में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जिससे अनिद्रा, खून की कमी और हड्डियों की समस्या का समाधान होता है। तो इसे हफ्ते में 2-3 बार जरूर बनाकर खाइए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, इसे बनाना भी आसान है और कम चीजों से बन भी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नितेंद्र किचन में। आलू और पोई के पत्ते की मजेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पोई के पत्तों को पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। पत्तों के साथ इसके नरम नरम डंठल को भी ऐसे लंबे टुकड़ों में काट कर अलग रख लिया है। अब पोई के पत्तों को बारीक काट लेंगे। पत्तों को मैंने बारीक काट लिया है। 2 आलू को भी मैंने काट कर धो लिया है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जार में मैंने 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून सरसों डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च, 6-7 कलियाँ लहसुन की। मेरे पास लहसुन का पतला घोल जैसा पेस्ट है तो मैं इसको इसमें डाल रही हूँ पानी की जगह। लहसुन मैं नहीं डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सौंफ जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सबका हमें फाइन पेस्ट बनाना है तो ये पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। जैसा कि आप सभी को पता है ज्यादातर सब्जी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप जो भी तेल अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में सब्जी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तेल खूब गर्म हो गया है, अब इसमें आलुओं को डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो आलुओं को हमें बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा कुक करना है। आलू को 5 मिनट के लिए फ्राई किया है, अब इसे निकाल लेंगे और इसी तेल में डालेंगे पंचफोरन। इसमें 5 खड़े मसाले होते हैं, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन और कलौंजी। पंचफोरन क्रैकल होने लग गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसी के साथ बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच। प्याज और लहसुन को एक साथ हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब प्याज सॉफ्ट हो गया है, यहीं पर हम मसालों को डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। इसी के साथ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो देखिए मसाले भून चुके हैं अच्छे से। यहीं पर हम फ्राई किए हुए आलुओं को डालेंगे, इसके साथ ही पोई के साग को भी डाल देंगे और हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि साग जब पानी छोड़ता है तो कम हो जाएगा, तो नमक ध्यान से डालें। अब इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए भूनना है बीच बीच में चलाते हुए। तो अब ये भून चुका है, इसमें हम डालेंगे पानी। तो आलू को चेक कर लेंगे, आलू कितना टेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी डालना है। मेरे आलू 50% तक पके हैं इसलिए मैं इसमें छोटी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू टेंडर हो चुका है, सब्जी भी एकदम परफेक्ट बन गई है। ये सब्जी लटपटा ही रहता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आप इसे चावल, रोटी या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मेरे मुंह में तो इतना पानी आ रहा है कि लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं इसे खा लूँ। तो आप भी इस रेसिपी को मेरी तरीके से बनाकर जरूर देखिएगा, आपकी पूरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ उसको सबसे पहले ट्राई करने का मौका आपको मिले। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।